चुनाव में बस वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहा है और खाएगा, जिसका खा रहा है उसका बजा रहा है। अब मुद्दे बचे ही नहीं है, रोड बन गए, सड़कें बन गई है, नाली बन गए, पानी आता है, बिजली का बिल कम हो गया, मुद्दे ही नहीं। महंगाई तो ऐसा है भाई, जैसे आगे बढ़ेगा तरक्की बढ़ेगा देश, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो झेलना पड़ेगी। भाई फसल आएगी तो ऑटोमेटिक सब्जी सस्ती होगी, फसल नहीं आएगी तो महंगी रहेगी। भाई फ्री का नहीं चाहिए, हम लोग को सुविधाएं चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई और खाना पीना सही चले, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। तो इस समय मध्य प्रदेश में चुनावी रंग है और हमारी चुनावी बकबक की टीम सब्जी वालों के संग है, और जानेंगे वो सारे मुद्दे जो सब्जी वालों के रहते हैं और किन मुद्दों पे इस बार वोट पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? लखनलाल कुशवाहा। क्या बात है, इस बार सब्जी आप यहाँ पे कहते हैं मिर्ची भेज रहे हैं, बड़ी तीखी है, इस बार तीखी मिर्ची किसको खिलाने वाले हैं आप? अरे जोन सी अपनी पार्टी आएगी वही खा के आगे बढ़ेगी। अच्छा, और कौन सा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है साहब। अच्छा, माहौल किसके साथ लग रहा है? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ क्यों? उसका विकास अच्छा है। विकास अच्छा है? हाँ। क्या क्या विकास किया है अगर बात करें तो? बात करो तो विकास में नाली पूरी बनी पड़ी है। हाँ। और पानी की फुल व्यवस्था है। पानी की फुल व्यवस्था है और सभी सभी है, और उसके ये महिला योजना भी चल रही है उनकी, महिलाओं के लिए काफी काम कर रही है बीजेपी। हाँ। आपका कहना है? अच्छा, ये सब्जी वब्जी के दाम वाम काफी बढ़ा दिए है, महंगाई काफी कर दी है बीजेपी ने। तो भैया बीजेपी ने काय बढ़ाई है, जब फसल आएगी तो सब्जी सस्ती होगी, फसल नहीं आएगी सब्जी महंगी रहेगी नहीं रहेगी, मतलब नेचुरल क्लैमिटीज के चक्कर में ये सब हो रहा है जी। बीजेपी जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए? नहीं, उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की। हाँ। भाई फसल आएगी तो ऑटोमेटिक सब्जी सस्ती होगी, फसल नहीं आएगी तो महंगी रहेगी। हाँ। उसमें अच्छा, क्या मुद्दे? हाँ। उसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या कर लेगी उसमें? भाई पानी गिर गया, सब्जी पे दवाड़ी नहीं हुई है तो बीजेपी कहाँ से हथेरी लगा लेगी या कांग्रेस लगा लेगी? हाँ, वो दोनों क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? सही बात है, क्या बात है, मतलब उसमें बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? महंगाई है तो है, महंगाई है भाई, पानी गिर गया, प्याज की पैदावार नहीं हुई है तो महंगी है प्याज, लहसुन की पैदावार नहीं हुई है, लहसुन महंगा है। हाँ। भाई उसमें बीजेपी आम पार्टी क्या करेगी उसमें? अच्छा, गरीब आदमी के क्या मुद्दे रहते हैं जब वोट डालने जाता है, क्या सोचता है जब वोट डालने जाता है, क्या सोचते हैं आप? वो तो विकास के लिए सोचता है कि भाई हमारे मोहल्ले में विकास अच्छा हो, उसी मुद्दे पे चुनाव होते। मतलब अगर हम बात करें जो मिर्ची है, मिर्ची बेच के हमारा घर चल जा रहा है, वो तो चलता है बारहमासी, बारहमासी चलता है, क्या बात है। और भी अगर हमारे पास पीछे देखिए, हमारे बीच प्याज के दाम भी बढ़े हैं, आलू भी यहाँ पे लगाया जा रहा है, प्याज आलू के दाम बढ़े नहीं है, क्या लग रहा है क्या होने वाला इस बार? नहीं, दोबारा से बीजेपी सरकार आने वाली है। बीजेपी आने वाली है, क्यों? काम करा है उनने, हमारे भैया ने काम करा है। कौन भैया? विश्वास भैया ने। विश्वास भैया ने काम किया, क्या काम किया है उन्होंने? आप रोडों पे जाकर देख लो। हाँ। गलियों में जाकर देख लो, रोड बने हुए हैं पक्के। हाँ। गलियां नालियां बनी हुई हैं। अच्छा, कह रहे विश्वास भैया ने तो काम किया है, मामा ने नहीं किया है? नहीं, मामा ने जो हमारे क्षेत्र के, उनने हमारे क्षेत्र के लिए तो किया है ना। हाँ। जिसने किया उसका बोलेंगे हम। अच्छा, मतलब बोलबाला है विश्वास भैया का, उनका तोड़ ही नहीं है ना? तोड़ ही नहीं है। इस बार कह रहे मनोज शुक्ला तोड़ मिल गया है। तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है, एक माँ उले लेकिन तोड़ नहीं है। अच्छा, कहते हैं बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, और मुसलमान जब बीजेपी की तरफ आता है थोड़ा सा कहते हैं कुछ यूनिकनेस रहती है, ऐसा क्यों? वो सोच रहती है, लोग राजनीति में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हाँ। उसी तरीके का रहता है, लोग जैसा माहौल देखते हैं वैसा करते हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा, क्या मतलब अगर बात करें मुद्दे क्या रहेंगे इस बार विधानसभा में? अब मुद्दे बचे ही नहीं है, रोड बन गए, सड़कें बन गई हैं, नाली बन गए, पानी आता है, बिजली का बिल कम हो गया, अब मुद्दे ही नहीं। दोबारा से विश्वास भैया, मतलब जबरदस्त, आप तो मतलब धारापुरवा डिक्शनरी आपने अपनी खोल दी है बीजेपी की। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या नाम है आपका? जगदीश। यहाँ क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। क्या बात है, कौन सी सब्जी बेचते हैं आप? अरे सब्जी कुछ भी बेचते थे ना, आ गया वहाँ से, मार्केट के जगनर आदमी है ना। अच्छा जी हाँ, मतलब बीज का वाला सिस्टम है। हाँ, बीज वाला सिस्टम है। तो चुनाव में क्या आप कर रहे हैं इस बार? चुनाव में बस वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहा है और खाएगा, जिसका खा रहा है उसका बजा रहा है। अच्छा, जिसका खा रहे हैं उसको बजा रहे हैं। क्या क्या किया है बीजेपी ने, थोड़ा हमें बताइए ना। बीजेपी ने अब क्या नहीं किया? हाँ। अब कांग्रेस ने भी किया, मगर अब जो है सामने, अभी इसका सामने आ रहा, ये भाई कर रहा तो इसी का बजाएंगे, अभी वहाँ चल के देखो अब क्या होता है। क्या मुद्दे रहते जब वोट डालने जाते हैं आप? मुद्दे का है विकास होना चाहिए और पार्टी अपनी आनी चाहिए, कमल का फूल जिंदाबाद। कमल का फूल कह रहे हैं, कुछ लोग मिले हमें वो कह रहे हैं कमल ने सब कुछ किया, महंगाई कर दी है। महंगाई कहाँ से करी, जमीन जितनी होगी उतनी तो महंगाई होगी जमीन। हाँ। अच्छा ऐसा है, और क्या कह रहे, रोजगार में भी विफल है। रोजगार? हाँ। अरे पढ़े लिखों को रोजगार मिल रहा, अनपढ़ को सब्जी बेचो, और क्या मुद्दा दे तो रिया बेचारे सामने वाला। मतलब काम हो रहा है बीजेपी में,
क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है 2023 में? कुछ नहीं होगा, मोदी जी भरपूर आएंगे। वो तो मोदी जी आएंगे, लपक के आएंगे। कह रहे हैं मामा जी ने अच्छा काम किया है क्या? अरे बहुत एक नंबर काम करा है, क्या काम में कमी है? कोई काम में कमी नहीं। कुछ गिना दीजिए हमें भी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। क्या मतलब क्या क्या काम किया है? तीन काम कोई से पूछू तो बता देता हूँ आपको। अरे आपको दिखता होगा ना कुछ। आइए, आज से 15 साल पहले जगह जगह गड्ढे थे रोडों पे, आज एक नंबर के रास्ते पड़े हुए हैं। हम लोग रातों में पानी भरते थे टैंकरों में उठ उठ के, आज बढ़िया नल आ रहे हैं। और क्या व्यवस्था चाहिए? सारी व्यवस्था अच्छी है, सरकार बढ़िया चल रही है। मतलब चलने के लिए हमें रोड दे दी, पीने के लिए हमें पानी दे दिया, और भी कुछ किया है? और क्या चाहिए भैया, और क्या चाहिए बताओ आप। बढ़िया सब चल गया। महंगाई तो ऐसा है भाई, जैसे आगे बढ़ेगा तरक्की बढ़ेगा देश, तो थोड़ी बहुत महंगाई तो झेलना पड़ेगी। महंगाई झेलनी पड़ेगी, महंगाई का अल्फाज हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नहीं देखिए हम इनके पास जरूर आएंगे। देखिए ये टमाटर है, हम ये हमें ये जो वो प्याज था, हमें प्याज खींच लाया, हमें टमाटर खींच लाया। और टमाटर के ओनर से अगर हम बात ना करें तो फिर ये कहते हैं अधूरा रह जाएगा हमारा इंटरव्यू। क्या नाम है आपका? बबलू चौहान। बबलू जी क्या लग रहा है 2023 में क्या होने वाला है? यही होने वाला है कि अच्छा चल रहा है काम। काम अच्छा हो रहा है, मतलब बीजेपी से आप सेटिस्फाइड हैं? सब सहमत हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने? सब अच्छा किया है, गरीबों की मदद भी मिली है, महिलाओं को पैसा भी मिल रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, सभी अच्छे काम हो रहे हैं। कह रहे पहले जो ये चाय थी थोड़ी सस्ती आती थी, अब थोड़ी महंगी हो गई जो पी रहे हैं आप। टमाटर पहले सस्ते आते थे, तो महंगाई चलेगी महंगाई से। वो तो जो सब्जी भाजी है तो चढ़ार उतार चलते रहते हैं, इसलिए तो चढ़ते रहते हैं उतरते भी रहते हैं। आपको कोई बताया था कि पालक खाने से शक्ति आती है, और हमारे इंटरव्यू में और ज्यादा शक्ति आ जाएगी जब हमारे बीच पालक। पालक क्या लग रहा है किसको शक्ति की ज्यादा जरूरत है 2023 में? अपन को शक्ति की जरूरत है ज्यादा, अपने को है, जनता को की। तो आप क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल अच्छा, किसके पक्ष में अच्छा है? अरे सरकार कोई भी बने, सरकार तो बनना ही है, बीजेपी बने चाहे कांग्रेस बने, पर पलड़ा बीजेपी का भारी है, पलड़ा भारी है। अगर हम विधानसभा की बात करें, अगर हम राष्ट्र राज्य स्तर की बात करें, तो लग रहा है मामा ने काम किया है। मामा ने अच्छे काम किए। अब भाई मामा ने जो स्कीम निकाली 1000 की, हाँ। वो भाई महिलाओं के लिए अच्छी है। क्या बात है भाई, आजकल धंधे रोजगार रहने हैं, हाँ। भाई कम से कम 1000, 1200, 1250 जो भी आएंगे, तो भाई आजकल की महिलाएं बेचारी कम से कम अपने घर के बच्चों का पाल पोषण, हाँ। कर सकती हैं। टंकी वंकी भी दे रहे हैं, लेकिन लेकिन ये फ्री की रेवड़ी पसंद आती है क्या लोगों को? सिर्फ जो हम लोग तो साहब मजदूर आदमी है, मेहनत करते हैं आज से नहीं बरसों से, हाँ। भाई फ्री का नहीं चाहिए, हम लोग को सुविधाएं चाहिए, हाँ। अपने बच्चों का भविष्य, पढ़ाई लिखाई और, हाँ। खाना पीना सही चले, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो मेहनत पूरा मार्केट, हाँ। भाई मेहनत के ही भरोसे, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हाँ। क्या सिर्फ सुविधाएं, जो थोड़ी जो बेरोजगारी ज्यादा है भाई रोजगार मिल जाए, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए, बहुत अच्छी सरकार। मतलब महंगाई पे अगर कंट्रोल हो जाए, बेरोजगारी पे कंट्रोल हो जाए, तो बहुत अच्छी सरकार आपको है। लेकिन इस बार आपको लग रहा है बीजेपी सरकार कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ थोड़ी सी महंगाई, हाँ। और थोड़ा सा जो थोड़ा माहौल जो चेंज हो रहा है, हाँ। भाई हम जैसे ये पूरा मार्केट है, हाँ। बिल्कुल सुख में दुख में हमारे ये मार्केट के अंदर, हाँ। कोई का भी निधन होता है तो, हाँ। ये मार्केट पूरा हम सब एक है, पूरा उसी दिन मार्केट बंद हो जाता है, हाँ। हम भाईचारा, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम ना कोई सिख ना ईसाई, हाँ। हम सब भाई भाई, क्या तो बात है? ये क्या है, हम सब एक परिवार है, हाँ। ये पूरे मंडी को हम लोग एक परिवार मानते हैं, हाँ। तो इसलिए लिहाजा ये थोड़ा चल रहा है राजनीति में जो, पर जे कम हो जाए, क्या हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? बिल्कुल भाई, जे कम हो जाए उससे अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं, काम में विकास में हर चीज में उससे अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं। 2023 के क्या मुद्दे रहेंगे? 2023 के क्या मुद्दे रहेंगे? कैसे मुद्दे? हिंदी वो जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्यों क्यों? सब चीज तो कर लिया है, क्या क्या मोदी कर रहा है, नाना कर लिया है, और कौन, शिवराज सिंह चौहान, हाँ। क्या देना कितनी, क्या क्या किया है दो, मामा ने क्या किया है? मामा ने सब कुछ करा है, मेलाओं के लिए 1000 रुपए, अब 3000 डल गए 5 तारीख को, अच्छा, हाँ। 3000 कर देंगे, हाँ। और उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, फ्री फंड का काम कर रहे हैं, तो कर तो रहा है फ्री में, सब तो दे रहा है, फ्री की रेवड़ी से खुश है, और क्या। तो आपको क्या लगता है 2023 में क्या मुद्दे होने चाहिए, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।